क्या वाकई में फिल्म मेकिंग हैज चेंज्ड? फिल्म मेकिंग हैज चेंज्ड इन अ वे, मैं बताऊं कि टेक्निक डेफिनेटली हैज बिकम मच बेटर एंड इजीयर. स्क्रीन प्ले हैज चेंज्ड. सबसे पहले कहानी साफ कोई भी ले लो, चलो पुरानी कहानी लो, उसको न्यू में टर्न कर देंगे हम लोग. पर सीन्स हैव चेंज्ड. पहले मतलब बहुत समझाना पड़ता था, अब समझाने का नहीं है, पॉइंट पे आ जाओ सीधे, ऑडियंस समझ जाएगी. देयर सो मेनी पेसेस देयर एंड यूथ लेवल इज डिफरेंट टुडे. द टेक्निक, द ड्रामा, ऑल द, पहले ड्रामा में होता था राजकुमार जी टर्न करके डायलॉग बोलते थे, बोलते अभी कुछ नहीं, कैजुअल बात करते हैं, सीधे सच बात करते हैं, छुपाने नहीं होता, जो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में फिल्मी पना कहते हैं, वो फिल्मों से गायब हो चुका है, क्लीशे इज आउट. अच्छा, बिल्कुल. डेविड जी, आपने इतनी सारी कॉमेडी फिल्में बनाई हैं और कॉमेडीज या कॉमिक सीन्स में हैमिंग की, ओवर एक्टिंग की बहुत गुंजाइश होती है, तो हाउ डू यू गार्ड अगेंस्ट दैट, हाउ डू यू कंट्रोल दैट? Once they are performing it, आपको तब समझ आ जाता है. Till you don't see a rehearsal, no. The best thing is quietly sit down and take a rehearsal. करके देखो, पूरा सीन करते हैं. Let's see. Then पूरा सीन करने में क्या होता है, जो सीन लिखा होता है आपको अच्छा लग रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें बोर करने लग जाते हैं. यू फील इधर से काट के इधर ज्वाइन कर देता हूँ, मेक द सीन. एंड ऑब्वियसली द एक्टर्स मेक अ लॉट यार. एक्टर जो है वो जो कर रहा है ना, उसके भरोसे बहुत कुछ होता है. So rather select the right actors. मतलब casting सही होना बहुत जरूरी है. For an entertaining film, the casting has to be very good. आप USPs क्या क्या कहेंगे? Is David Dhawan, Varun Dhawan the biggest USP? Yes, number one is that. How he's performed also is my USP. That music is my USP. The dialogues of the film is my USP. The acting of the character artists are my USP. That's very big. Overall, I've not made, there could have been lot of chances, action आ सकता इस पिक्चर में बहुत. मैंने अवॉइड किया. क्लाइमेक्स में भी एक्शन नहीं है मेरे, बिल्कुल निकाल दिए. मैंने कहा नहीं, ये एक्शन तो नहीं आएगा. कारण? मतलब ओरिजिनल में एक्शन था. हाँ, बहुत था. तो कारण क्या? कारण जम नहीं रहा था. टुडे नोबडी एक्शन क्या करेंगे, चार मारेंगे, मेरा लड़की ले जाएगा, बेकार, इट इज यूजलेस. सीन लाओ ना, अगर दम है तो क्लाइमेक्स में ऐसा सीन लाओ कि पब्लिक बोले, यू नो. डेविड जी, मुझे ये याद है कि पहले जब ढाई घंटे पौने तीन घंटे की फिल्में बनती थी, आप ऑलमोस्ट इकलौते डायरेक्टर थे जिनकी फिल्में दो घंटे पांच मिनट, मैक्सिमम दो घंटे दस मिनट होती थी. आजकल तो फैशन बन गया है टू मेक शॉर्ट फिल्म्स. अभी एक फिल्म लगी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अभी एक फिल्म लगी 145 मिनट्स की थी, 1 मिनट, 1 आवर एंड 45 मिनट्स, ऐसे ही कुछ था, यू नो. फिल्म्स आर, बट डेफिनेटली आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ डायरेक्टर टू चूज अ स्क्रिप्ट. पहले 90 सीन की फिल्म होती, आज 60 सीन आप उसमें मसाला डाल दो, यू नो, 60 सीन को घुमा. सो व्हाट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड? बिकॉज़ अगर 90 सीन्स की फिल्में होती थी, अब 60 सीन्स, व्हाट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड? जो ऑर्डर होता था फिल्म का ना, वो चेंज हो गया. यू नो, यू कांट, मतलब वन के बाद टू नहीं आना, वन के बाद फाइव भी आ सकता है. टू थ्री फोर ऑडियंस समझ जाती है. हाँ, निकल गया. सपोज दैट फिफ्थ सीन इज सो वेल रिटन के यू डोंट नीड इट, तो 2-3-4 आप खुद समझ जाते हैं. क्या यही कारण है कि आजकल हीरो और हीरोइंस के माँ बाप बताते ही नहीं है फिल्मों में? पहले पूरी फैमिली होती थी, एटलीस्ट माँ बाप तो होते ही थे. इसमें बताया मैंने, बट मेरी मेरी वाइफ को एक ही प्रॉब्लम, इसकी माँ नहीं है क्या, कोई घरवा नहीं है क्या, घूमता रहता है इधर से उधर से, सेम थिंग. बट माँ बाप ये सब होना जरूरी होता है, चाहे लॉ, इट एड्स टू द फिल्म, यू नो. एक मतलब एक अच्छी फिल्म की फीलिंग तो मिलती है ना, वो आई नो दैट. आपके एक गाने को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि अमिताभ बच्चन का जो पुराना गाना था उसकी धुन चुराई है. नहीं, वो अपना पलट वाले में नहीं, ऐसा कुछ हमने सोचा भी नहीं था. सिमिलैरिटी आया होगा तो बस भी, बट नहीं, इतना कोई मेजर ब्लोन अप भी नहीं हुआ इस बात को. बट तो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप लोगों को एहसास हुआ? नहीं हुआ. अच्छा, बिल्कुल नहीं. तो मतलब आपके म्यूजिक डायरेक्टर्स ने ये बात आपसे छुपा दी? नहीं, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म. नो, छुपाई नहीं, बट देखो वो भी क्या करें, कितना काम ओरिजिनल करेंगे. करेक्ट है कि नहीं? कहीं ना कहीं कोई सुर मिल गया तो ठीक है ना. अच्छी बात है, अमिताभ का ही किया ना मैंने. कोई छोटे मोटे का नहीं किया. आखिर में आप क्या सोचते हैं कि पहला वीकेंड कितने का होना चाहिए इस फिल्म का? मेरा वीकेंड का मतलब ये नहीं, मेरा वीकेंड है जो फ्राइडे है ना, मेरा सैटरडे बेटर होना चाहिए फ्राइडे से फॉर दिस फिल्म. हाँ, मुझे यही चाहिए. तो सैटरडे बेटर है, मतलब पिक्चर अप्रिशिएटेड है. अच्छा, तो फ्राइडे जितना भी हो सैटरडे बेटर होना चाहिए. बेटर हो, क्यों? ऑलवेज फ्राइडे को क्या होता है, सैटरडे को 10% कम होता ही होता. सही बात है. करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. इफ सैटरडे सस्टेन्स तो दैट शोज के मतलब. मगर फिगर कुछ तो सोचा होगा आपने और एकता कपूर ने मिलके. डरते हैं आप? बहुत डरता हूं बोलने के लिए यार, बड़ा बात है. मुझे कान में बता सकते हैं, नया लड़का है, यू नो, ही इज अ न्यू बॉय लाइक एनी अदर बॉयज व्हिच हैव कम. सो वी डोंट थिंक वेरी हाई, बट एक सर्टेन बैरोमीटर तो है कि इतना तो होना.
होना चाहिए. तो वो थोड़ा एक्सेस बिकॉज द फादर्स द डायरेक्टर वो लगा देते ना मेरे कंधे पे. वैसे वैसे हमें जो बात सुनने मिली है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कि आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है निकल गया, वो सैटेलाइट ओवरसीज और म्यूजिक बेच के निकल चुका है. निकल चुका है. यानी अब इंडिया थिएट्रिकल से सिर्फ आपको प्रमोशन का खर्चा निकालना है और आफ्टर दैट प्रॉफिट. अरे यार, तो प्रॉफिट तो अभी हो चुका है. इफ यू आस्क मी आई विल टेल यू हाउ. कुछ इंडिया बेच चुके हैं ना. अच्छा, कुछ इंडियन टेरिटरीज बेच चुके हैं. बेचे हुए पैसा तो सब आ गया. तो डेविड 42 तो बना ली है, कितनी और बनानी है? देखिए, इंशाल्लाह इफ माय हेल्थ इज ओके एंड परमिट्स मी देन व्हाई नॉट. देन आई वांट टू बी ऑन माय शूज शुड बी देयर व्हेन आई एम मेकिंग अ फिल्म. द लास्ट फिल्म आल्सो इज has to be there while shooting, you know, everything. So here's hoping that you make 42 more films in the years to come. Chaliye David ji, chalo nice isi dua ke saath great, isi dua ke saath hum aapko jaane denge. Thank you so much for being on the show. Thank you. तो दोस्तों, ये थे डेविड धवन. इनकी फिल्म मैं तेरा हीरो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है. बहुत बज है. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट बॉलीवुड बिजनेस @znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिज, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय.